dear students we are discussing the poem three years she grew also known as the education of nature jaisa ki jante hain aap इस कविता की दो शीर्षक के नाम से इसको जाना जाता है three years uh, three years she grew और the education of nature दोनों ही इसी कविता के टाइटल है इस कविता को हम डिस्कस कर रहे हैं एंड uh, अब तक हमने देखा दैट नेचर वांट्स टू टेक लूसी अ थ्री ईयर ओल्ड चाइल्ड एज इट्स ओन अपने बच्चे की तरह लूसी को वो अडॉप्ट करना चाहती है एंड इट वांट्स द नेचर वांट्स दैट शी शुड बी शी विल बी हेल्पिंग लूसी टू टू लर्न मैनी नोबल क्वालिटीज थ्रू नेचुरल थ्रू द एजुकेशन ऑफ नेचर इस थर्ड स्टेंजर में भी वही आइडिया कंटिन्यू कर रहा है देखते हैं अस सी द थर्ड स्टेंजर शी शेल बी स्पोर्टिव as द फॉन दैट wild with ग्ली अक्रॉस द lawn or up the mountains springs and hers shall be the breathing balm and hers the silence and the calm of mute insensate things here nature means that in her company in nature's company lucy shall learn so many things she will enjoy her childhood and she will सी दी इनर मोस्ट और द ट्रू ब्यूटी ऑफ नेचर ऑल अराउंड हर सेल्फ फर्स्ट लाइन देखते हैं शी से शी शेल बी स्पोर्टिव एज दी फोन फोन कहते हैं दंग वन ऑफ अ डियर एक हिरन के बच्चे को फोन कहते हैं एंड जैसा हम जानते हैं कि हिरन जो है वो बहुत फुर्तीला बहुत अजायल होता है और उसका बच्चा भी उतना ही फुर्तीला होता है वो बहुत तेजी से कूदता है भागता है इट हैज़ लॉट लॉट्स ऑफ एनर्जी इन इट सो नेचर सेज दैट शी शी इज़ हियर फॉर लूसी लूसी शेल बी स्पोर्टिव एज दी फॉन जैसे एक हिरन का बच्चा स्पोर्टिव होता है स्पोर्टिव का मतलब प्लेफुल स्पोर्ट यानी कोई गेम या खेल जिसको कोई भी गेम भाग दौड़ के खेला जाता है तो इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ फिजिकल एनर्जी एंड स्ट्रेंथ तो एक जैसे हिरन का बच्चा कूदता फिरता रहता है प्लेफुली खुशी से एनर्जी से वो भागता फिरता रहता है इसी तरह लूसी विल आल्सो बी प्लेफुल एंड हैप्पी दैट वाइल्ड विथ ग्ली अक्रॉस द लॉन डेट वाइल्ड विद ग्ली ग्ली मीज हैपीनेस अब ख़ुशी खुशी से वो वाइल्ड हो जाएगी अब खुशी से वाइल्ड नहीं होते तो यहाँ वाइल्ड का मतलब आप समझ सकते हैं दैट शी शी विल बी जम्पिंग एंड फ्रेस्किंग इन जॉय विद जॉय वो इतनी खुश होगी कि वो यहाँ वहाँ कोदती फिरेगी अक्रॉस द लॉन्ड लॉन्न यू मे सी ग्रास लैंड्स घास के जो मैदान है, वहाँ खुशी से वो यहाँ वहाँ कूदेगी शी विल एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर और कहाँ जाएगी वो और अप द माउंटेन स्प्रिंग्स और ऊपर पहाड़ पर जाएगी जहाँ झरने होते हैं वहाँ शी विल बी जंपिंग एंड रनिंग ऑल अराउंड वो हर जगह कूदेगी भागेगी एंड शी विल एन्जॉय दी मोमेंट वो बहुत खुश रहेगी और उसको क्या मिलेगा एंड हर्स शेल बी द ब्रीदिंग बाम ब्रीदिंग बाम से यहाँ मतलब है ब्रीदिंग बाम यानी विंड हवा से मतलब है और बाम बाम यानी कुछ जो सुकून देने वाली कंफर्टिंग विंड है फ्रेगरेंट एंड कंफर्टिंग विंड विल बी हर्स शी विल एन्जॉय द फ्रेगरेंट कम्फर्टिंग ब्लो ऑफ विंड्स वो सुंदर हवा बहेगी जिसका वो आनंद लेगी एंड हर्स द सइलेंस एंड द काम एंड द नेचर हैज़ इन इट सेल्फ अ पीस एंड ट्रेंक्वालिटी एक शांति होती है नेचर में जो ने, नेचर प्रकृति की आवाज़ें भी होती है वो हमें बहुत सुकून देती है तो शी विल एन्जॉय ऑल द पीस एंड सीरेनिटी ऑफ नेचर और ये कहाँ से आएंगी ये पीस एंड ट्रेंक्वालिटी ऑफ म्यूट इनसेंसेड थिंग्स ऑफ म्यूट म्यूट जो चुप रहती हैं चीज़ें यानी शांति रहती है जहाँ इनसेंसेड थिंग्स इनसेंसेड मीन्स यू कैन से नॉन लिविंग या इन एनिमेट थिंग्स तो नेचर में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर स्टिलनेस uh, है या हम कह सकते हैं जीवन नहीं है तो वहाँ शांति है यानी जो निर्जीव वस्तुएँ हैं वहाँ आवाज़ें नहीं होती जहाँ जीवन है वहाँ आवाज़ें होती हैं बट ऑल दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर वेदर दे प्रोड्यूस साउंड और दे डोंट प्रोड्यूस साउंड दे डेफिनेटली प्रोवाइड काम एंड पीस अराउंड आवर सेल्फ अगर हम प्रकृति के सानिध्य में होते हैं तो जहाँ भी आवाज़ें अगर नहीं होती हैं या होती भी है, तो हैं तो वो आवाज़ें हमें बहुत सुकून देती हैं तो दिस इज़ हाउ लूसी शैल इन्जॉय दी सराउंडिंग्स ऑफ नेचर द एन्वायरमेंट ऑफ नेचर एंड ऑल दीज वेरीड गिफ्ट्स फ्रॉम नेचर विल शेप हर कैरेक्टर तो ये सभी चीज़ें उसको आ, एक उसके विकास में दे विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल सो दिस इज़ ए नंबर थ्री आई होप आपको समझ आया होगा इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस स्टेंजर नंबर फोर थैंक यू